हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है चैप्टर 12 यूपी पुलिस एग्जाम 2017 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, और इसमें मैं आपको चैप्टर 11 जो भी दे दिया उसमें मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यूपी पुलिस के एग्जाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं ये जो चैप्टर वाइज चला रहा हूँ, तो लगभग 15-20 चैप्टर मैं दूंगा, जो भी दूंगा उसमें सारे यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप हर सेट को देखते रहिए और आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और मैं मैथ का सेट भी चला रहा हूँ उसको भी देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव विहार है और कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये चंदौली जिले में स्थित है और ये यूपी का सबसे पहला वन्य जीव विहार था। कतरमिया घाट वन्य जीव विहार, ये बहराइच में स्थित है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये ललितपुर में स्थित है, और इसके साथ एक और चीज आता है, यह सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर में आता है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये महाराजगंज जिले में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये मेरठ और मुजफ्फरनगर मिला के दोनों में पड़ता है, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। कौन सा सबसे बड़ा है? हस्तिनापुर, और सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। उसके बाद आता है कहुआ वन्य जीव विहार, कहुआ वन्य जीव विहार पड़ता है वाराणसी में। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख पक्षी विहार, और ये कहाँ कहाँ पड़ता है यूपी का प्रमुख पक्षी विहार, और ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो पहला आता है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ये सबसे पहला पक्षी विहार था उत्तर प्रदेश का। लाख बहोसी पक्षी विहार, यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार, यह हरदोई जिले में पड़ता है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार, ये गोंडा में पड़ता है। पखिरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में पड़ता है। और सुरहाताल पक्षी विहार, ये बलिया पड़ता है, बलिया। इसका नाम लोकनायक पक्षी विहार से भी जाना जाता है। एक टॉपिक और आता है दोस्तों, पहला मैंने बताया था नवाबगंज पक्षी विहार जो सबसे पहला था, उसका नाम अब चेंज करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र यूपी में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा पावर प्लांट है, ये बुलंदशहर में स्थित है, जिसको 1989 में बनाया गया। यूपी का सोलर सिटी किसे कहते हैं? आगरा और मुरादाबाद यूपी के दो सोलर सिटी हैं। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? चिनहट, नाम से ही पता चल गया होगा चिनहट, ये लखनऊ में स्थित है। अब देखते हैं दो एक्सप्रेसवे यूपी में टॉप पे आते हैं। पहला था गंगा एक्सप्रेसवे जो नोएडा से बलिया तक जाता है, दूसरा है यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। दोनों एक्सप्रेसवे को जेपी ग्रुप ने बनाया गया, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने। और देखते हैं यूपी में दो रेलवे जोन के मुख्यालय है, पहला है इलाहाबाद जो उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, दूसरा है गोरखपुर जो पूर्वोत्तर रेलवे जोन के मध्य आता है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर दक्षिण व पूरा पश्चिम गलियारे का मिलन कहाँ होता है? क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण व पूरा पश्चिम गलियारे का मिलन कहाँ होता है, वो आंसर है झांसी। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।